आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से डिराइव हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसमें ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है जिससे की हेल्प से किसी भी थ्री साइड्स को मेजर किया जा सकता है। ये थ्री साइड्स है। और ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद ट्रायंगल्स। जब ट्रायंगल्स में थ्री साइड किसमें होती है? ट्रायंगल्स में होती हैं। पर्टिकुलर ट्रायंगल इन अ प्लेन हियर वन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करी जा रही है। स्पेशली डील विद रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। अगर साइड दिया रहेगा तो एंगल निकाल लेंगे, और एंगल दिया रहेगा तो साइड्स निकाल लेंगे। वॉट इज राइट एंगल ट्रेंगल? अ ट्रेंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल दिया, ट्रेंगल दिया गया है। वन एंगल इज क्या? 90 डिग्री। इसको राइट एंगल ट्रेंगल। द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। इसके जस्ट अपोजिट मतलब ये वाली क्या है? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस एसी से हाइपोटेनस। एसी क्या है? हाइपोटेनस हाइपोटेनस है। द अदर टू साइड्स आर नोन एज परपेंडिकुलर एंड बेस। इसमें से एक साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? बेस है। बी सी एंड ए सी आर द बेस एंड एल्टीट्यूड रिस्पेक्टिवली। अब परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होकर करते हैं? आपस में चेंज हुआ करते हैं। कैसे? ये 90 डिग्री हो गया। अगर थीटा ये है 90 डिग्री, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अगर थीटा की मैंने इसके जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो जाहिर ये इसके साथ लगी हुई, तो इसको एडजेसेंट साइड, इसको ही बेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर थीटा ये गिवेन है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। इसी को ही बेस कहते हैं। तो समझ आया? तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदला करते हैं। हाइपोटेनस हो जाता है जाए इस वाला एंगल ले लो, अगर यह है यह एंगल ले लो। ठीक है, और हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट लाइन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है ये किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पाइथागोरस किसके लिए सिर्फ वैलिड है? राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, इसके जस्ट सामने वाले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एसी क्या है? परपेंडिकुलर बीसी क्या हो जाएगी? बेस। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस, मतलब ए बी क्या है? हाइपोटेनस। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं? थीटा 90 डिग्री,
लेट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए सी। ठीक है, ए सी फाइंड करना कैसे, तुमने पढ़ रखा है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस ए सी है, ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेनस है, बी सी क्या है बेस है, और ए बी क्या है परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है बेस है, ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें निकालना ही है, बेस गिवेन है 3 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का 16, यहाँ एच स्क्वायर, एच इज इक्वल रूट के अंदर आ जाएगा 9 प्लस 16, एच इज इक्वल 25, एच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी भी ट्रायंगल की एक साइड अननोन होती है, दो साइड गिवन होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से उसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ये पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैलिड है। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर, बी सी इज इक्वल टू क्या है बेस, ए सी इज इक्वल टू क्या है हाइपोटेनस। ओके, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, ए सी क्या है हाइपोटेनस, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, हाइपोटेनस कितना है ए सी है। कॉसिक थीटा कितना क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस बी सी, हाइपोटेनस ए सी। टेंजेंट थीटा क्या होगा, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी बेस बी सी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है बी सी परपेंडिकुलर ए बी। सीकेंट थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस कितना है ए सी है, बेस कितना है बी सी है। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है ए सी, परपेंडिकुलर कितना है ए बी। तो ये टी रेशियोज है, टी रेशियोज कितने, तो 6 टी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला कौन है साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉसेक थीटा, तीसरा क्या है टेंजेंट थीटा, चौथा कॉटेंजेंट, पांचवा सीकेंट, छठा कोसेक थीटा। ठीक है, फिर से पहला क्या है साइन, दूसरा क्या है कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। और ट्रिक टू लर्न साइन टी रेशियोस, टी रेशियोस को लर्न करने के ट्रिक देखो, पहले आता है क्या साइन, फिर कॉस, फिर टैन। ठीक, पहले क्या आता है साइन, दूसरा क्या है कॉस, फिर टैन, फिर कॉट,
सेक और कॉसिक। देखो पंडित बदरी प्रसाद बोले, ठीक है। साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। देखो इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ट्रायंगल एबीसी, उसमें परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, तो हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। कॉस में क्या होगा? बेस अपन हाइपोटेनस। बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है? बी सी है। हाइपोटेनस कितना है? ए सी है, ठीक है। टेन में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी से क्या है? परपेंडिकुलर। देखो पी से परपेंडिकुलर, ठीक है। एच से हाइपोटेनस, और बी से बेस। जहाँ पे पी आ रहा है परपेंडिकुलर, बी आ रहा है बेस, हो गया। समझ आ रहा है ना? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है। बेस कितना है? बी सी है। वैसे कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस इस वाले में नीचे जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। एच अपॉन में पी, एच कितना है? ए सी। पी कितना है? ए बी, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा एच अपॉन में बी, ये कितना आ जाएगा? ए सी अपॉन में बी सी। कॉट थीटा कितना हो जाएगा? बी अपॉन पी बी सी, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो याद आ गया ना कैसे याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है ट्रिक याद करने के डी रेशियोज को, कि साइन के लिए, कॉस के लिए, फिर टैन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए, फिर कॉट के लिए, ठीक है। आया रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? अभी लास्ट वाले स्लाइड में देखा कि साइन में पी अपॉन एच हो रहा है, कॉसेक में एच अपॉन पी हो रहा है। तो इससे क्या लेसन पढ़ा? पहला साइन से क्या रिलेशन बन रहा है? कि साइन का रेसिप्रोकल क्या हो रहा है? साइन का रेसिप्रोकल हो रहा है 1 अपॉन कॉसिक थीटा, ठीक है। अब थीटा मेजर कर लो इस ट्रायंगल में, ये थीटा हो जाएगा। ये क्या है? 90 डिग्री। ये ए है, बी है, ये सी है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक। सेकेंड, अब देखो पीछे साइड में, कॉस में बी अपॉन एच और सेक में एच अपॉन बी, ये भी इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। वैसे ही टेन में है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, ठीक है। चौथा क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। पांचवा क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। छठा क्या है? कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। ये सबके छह के छह पूरे जो दिए गए हैं, ये क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। इन्हें क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा। टैन का रेसिप्रोकल कॉट। कॉट का रेसिप्रोकल टैन। सेक का रेसिप्रोकल कॉस। कॉसिक का रेसिप्रोकल साइन। पावर ऑफ टी रेशियोज।
साइन की पावर 2 दिया गया, इस तरह से लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही कहलाता है पावर ऑफ टी रेशियोज। ये साइन के लिए वैलिड नहीं है, सभी टी रेशियोज के लिए साथ वैलिड है। अगर कॉस लिखा है उसकी पावर 4 है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा की होल पावर 4। ठीक है, अब ये साइन के साथ भी यही लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की होल पावर 4। टैन के साथ भी यही है, कोई भी टी रेशियो से उसकी पावर को इस तरह हम लोग ले सकते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, पावर ऑफ टी रेशियोस। क्या कहते हैं, पावर ऑफ टी रेशियोस, पावर ऑफ टी रेशियोस। नेक्स्ट क्या है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट नंबर फर्स्ट टैन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नंबर सेकंड कॉट थीटा इज इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नंबर थर्ड टैन थीटा टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करने से सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी पहले एक बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। लेट ए बी इज इक्वल टू वाई यूनिट कॉमा बी सी इज इक्वल टू एक्स यूनिट कॉमा ए सी इज इक्वल टू आर यूनिट। ठीक है, तो पहला क्या प्रूफ करना है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और टैन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, कैसे पता करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन कॉस टैन, यही बताया था ना साइन कॉस टैन। यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर पी है, पी मतलब क्या परपेंडिकुलर, बी मतलब क्या बेस ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी, बेस क्या है बी सी, ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी कितना माना वाई, बी सी कितना माना है एक्स, यहाँ चल रहा है टैन थीटा, अभी तक टैन थीटा क्या हो गया वाई अपॉन में एक्स हो गया ना, टैन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, इसको लिखेंगे वाई अपॉन में आर अपॉन में एक्स अपॉन में आर। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, आर से आर देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स ही तो लिखा है, ये भी यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर। अच्छा, आर से ही मैंने क्यों डिवाइड किया है, तो इसका भी एक लॉजिक है, ये ट्रायंगल लिया है इसमें ए है ये बी है ये सी है थीटा है, यहाँ मैंने आर माना है, ये इसको क्या माना था, इसको एक्स माना है, बी सी को एक्स माना है, बी सी क्या है एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, फिर से देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को आर माना है और बेस अपन हाइपोटेनस, बेस एक्स है आर है, तो दोनों को मैं हाइपोटेनस कॉमन आ रहा था और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है आर थी, तो मैंने इसलिए आर से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया, ताकि ये क्या साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज हो जाए, तो वाई अपॉन आर क्या हो जाएगा साइन थीटा और एक्स अपॉन आर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो प्रूव हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टैन थीटा क्या हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आया समझ में। ठीक है,
नेक्स्ट रिलेशन क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हमें पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ऐसे पता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन हो गया कॉस टेन, कॉस एक्स है कॉट, कॉट में क्या जा रहा है पहले? क्या है? बेस है, फिर है परपेंडिकुलर। बेस क्या माना था? एक्स माना है, परपेंडिकुलर कितना माना है? वाई माना है। ठीक है, यहाँ भी डिवाइडिंग एक्स अपॉन आर और वाई अपॉन आर। यहाँ भी लिख देंगे डिवाइडिंग एंड डिनोमिनेटर बाई आर। जब आर से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कॉट थीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन आर क्या हो रहा है? देखो एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर किसके बराबर हो रहा है? कॉस थीटा के बराबर हो रहा है। देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन थीटा कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? वाई है, हाइपोटेनस आर है। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। प्रूव हो गया सेकंड रिलेशन भी। थर्ड रिलेशन क्या था? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। ट्रायंगल बना था ये कुछ, ये बी है, ये सी है, ये ए है, 90 डिग्री, ये थीटा हो गया, ये वाई है, ये एक्स है, ये आर है। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल क्या था? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले निकाल लेंगे। तो टैन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। कॉट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? वाई। बेस की कितनी? एक्स। इंटू बेस कितना है? एक्स। परपेंडिकुलर कितना है? वाई। ये वाई से वाई चला गया, एक्स से एक्स चला गया, आंसर आ गया एक। तो ये भी रिलेशन प्रूव हो गया कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन थ्री कॉस ए माइनस फोर कॉस क्यूब इज इक्वल टू। ये एक्यूट एंगल थीटा दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है? वन बाई टू। और साइन थीटा होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? वन, और हाइपोटेनस क्या है? टू। इसको मान लेंगे वन एक्स, इसको मान लेंगे टू एक्स। भाई पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, बी सी की लेंथ निकालेंगे ना। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। बताया अभी कुछ देर पहले क्या बताया था? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही लिखा है। बी सी में फाइंड करना, तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया है। ए सी क्या है? टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? एक्स का होल स्क्वायर। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू रूट के अंदर थ्री एक्स स्क्वायर। तो बी सी की एक्चुअल लेंथ क्या आ जाएगी? थ्री रूट के अंदर और एक्स आ जाएगी। बी सी की लेंथ आ गई है, तो कॉस की लेंथ, कॉस भी निकाल लेंगे। कॉस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से निकालेंगे। तो बेस अपॉन में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। बेस क्या था? एक्स था, नहीं बेस कितना आया है? रूट थ्री एक्स। और हाइपोटेनस कितना था? टू एक्स, एक्स से एक्स चला गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट थ्री अपॉन में टू। तो वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें? थ्री कॉस थीटा माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है। थ्री कॉस थीटा माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। थ्री हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? रूट थ्री बाई टू माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा रूट थ्री टू रूट थ्री
इंटू रूट थ्री अपॉन में टू इंटू टू इंटू टू, ये है टू टू ज़ा फोर, फोर से फोर चला गया, थ्री रूट थ्री अपॉन में टू माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा अपॉन में टू। टू एलसीएम ले लेंगे, ये थ्री हो जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री हो जाएगा टू, अगर एलसीएम भी लोगे तो थ्री रूट थ्री हो जाएगा माइनस थ्री रूट थ्री हो जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, थ्री कॉस थीटा माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया ना पहले क्या कर रहा था, ये अगर क्वेश्चन दिया गया तो वन अपॉन टू को क्या कर लिया, परपेंडिकुलर में एक्स मान लिया और हाइपोटेन्यूज में टू एक्स मान लिया, माना क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, इस हिसाब से हमने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर को एक्स मान लिया और हाइपोटेन्यूज को टू एक्स मान लिया। भाई पाइथागोरस थ्योरम से बी सी की लेंथ निकाल ली, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है, बी सी क्या है, बेस है, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, बी सी निकाल ली। साइन थीटा की वैल्यू दी गई थी, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी निकाली, रूट थ्री बाई एक्स निकाली, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया था, टू एक्स, एक्स एक्स चला गया तो रूट थ्री बाई टू आ गया, कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्वेश्चन दिया गया तो उसमें पुट कर दी, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल 12 बाई 13 देन वाई वैल्यू ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस 3 टैन थीटा होल अपॉन में साइन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। साइन थीटा की वैल्यू दी गई 12 अपॉन 13, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, बी क्या है 90 डिग्री, ए बी सी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, साइन थीटा के क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 13, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13, बी सी की लेंथ निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, ए सी क्या है 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 माइनस 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 0, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ठीक है, ये साइन की वैल्यू दे दी गई थी 12 अपॉन 13, कॉस की निकल जाएगी ना अपने आप, क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना निकाला 5, हाइपोटेन्यूज 13, और टैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बेस कितना है 5 है, ठीक है, इतनी वैल्यू चाहिए, साइन की गिवन है, कॉस और टैन की वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में, क्योंकि इतना ही रखना है, ठीक है, 2 कॉस थीटा प्लस 3 टैन थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस 3 टैन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, टू हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 5 अपॉन 13, प्लस 3 टैन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 12 अपॉन 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 12 अपॉन 13, और टैन थीटा की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 5, और साइन थीटा की वैल्यू कितना है 12 अपॉन में 13, सॉल्व कर दो इसको, 5 2 10 अपॉन 13, 12 36 अपॉन 5, ये 12 अपॉन में 13, 144 अपॉन में 65, ऊपर एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा 65, 50,
प्लस नीचे भी 65 एलसीएम आएगा, 15 इंटू 5 प्लस 144, ठीक है, 15 कैरी 7, 46 अपॉन में कितना आ जाएगा, 60 प्लस 144, इसको ऐड कर दो, 8 नीचे कितना आएगा, 4 204, अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, 10 और 2 9 जा 18, 102, आंसर कितना आ जाएगा, 259 अपॉन 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, ये ए क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कॉस इज इक्वल टू 8/17, तो कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद है हर बोले से भैया निकाल लो ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस मतलब 8, हाइपोटेनस तो 17, एक्स वाई की लेंथ निकालनी है, तो एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर रूट के अंदर, एक्स जेड वॉट 17, वाई जेड वॉट 8, 289 माइनस 64, एक्स वाई की लेंथ आ जाएगी कितनी, 225 आई एक्स वाई, ये हो गया 15, तो देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, देख लो ना 225 ही होता है, ठीक है, तो एक्स वाई कितना आ गया 15, कॉट ए निकालना था, निकालना क्या था, कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से देखेंगे तो कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 15, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सेकंड ए इज इक्वल टू 5/4, शो करना है क्या, 2 cos a माइनस साइन a होल अपॉन में कॉट ए माइनस 10 ए इज इक्वल टू 12/7, देखो सेक ए कितना होगा, बताया था ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, तो कॉस और सेकेंड थीटा यही तो आता है, देखो फिर सेक ए इज इक्वल टू 5/4, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले, 90 डिग्री, ये एंगल ए है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, सीकेंट ए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, एक्स जेड अपॉन में बेस क्या है वाई जेड इज इक्वल टू 5/4, एक्स जेड कितना है 5x, वाई जेड कितना है 4x, एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वाई पाइथागोरस थ्योरम, वाई पाइथागोरस थ्योरम, एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स जेड व्हाट 5x का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, वैसे एक्स हमने मान लिया, इसकी मानने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्स ले चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं, हटा भी सकते हैं, हटा देते हैं, फर्जी एक्स एक्स लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16,
एक्स वाई कितना आ जाएगा? 9। एक्स वाई को से कितना है? 9 आया, तो एक्स वाई कितना आएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ देखो सिकेंट ए इज इक्वल टू 5/4, तो कॉस ए कितना आ जाएगा? फोर अपॉन फाइव। साइन ए कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है? 3। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। टेन कितना आएगा? परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3। और बेस कितना आ जाएगा? 4। और कॉट ए कितना आएगा? 4 अपॉन में 3। सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसको पुट करना है कहाँ पर? गिवन क्वेश्चन में उसकी किसके बराबर आना है? 12/7 के। क्या है 2 cos A - sin A? 2 cos A - sin A होल अपॉन में कॉट ए माइनस टेन है। कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 12/7 है। सबको एलसीएम ले चले। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 4/5 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है? 3/5। कॉट ए की वैल्यू कितनी है? 4/3। टेन ए की वैल्यू कितनी है? 3/4। उसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा? 8/5 माइनस 3/5, यहाँ 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 × 4 माइनस 3 × 3 करो, ऊपर ऊपर 5/5 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 16 − 9/12। अब देखो ये 5/5, 16 − 9 जाएगा कितना आएगा? 7/12। इसका मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, तो 5 × 12 / 7 × 5 5 साथ चला जाएगा 12/7। एलसीएम देखिए तो आंसर आ गया है ना, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री एंड एबी रेशियो एसी इज इक्वल टू 1:√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A / 1 tan A². इसको देखो इस तरह करूंगा। ट्रायंगल ए बी सी है, ए मान लो इसको, ए बी मान लो इसको, सी मान लो। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री इसके जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल क्या है? हाइपोटेनस है। ए सी क्या है? हाइपोटेनस। और एक रिलेशन दिया गया क्वेश्चन में, ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू 1:√2। और ए सी क्या है? रूट टू। ठीक है, तो ए बी क्या है? 1 है। बी सी निकालने आराम से बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ए सी क्या है? √2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? 1 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2। बाय 1 का होल स्क्वायर क्या देगा? 1। 2 में से 1 गया 1। बी सी इज इक्वल टू 1 आ गया।
सेंसिटिविटी के इश्यूज निकाले, फिर टेन की वैल्यू चाहिए हमें, तो टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी, बेस कितना हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी, बेस कितना हो जाएगा ए बी, बेस कितना हो जाएगा ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है वन है, ए बी की वैल्यू कितनी है वन है, टेन ए रिकॉर्ड कितना हो जाएगा वन, वैल्यू लग गए यहाँ पे टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वन का होल स्क्वायर, टू अपॉन टू लिखकर टू वन सॉल्व हो गया। समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए बी दिया गया था और ए सी दिया गया था, बी सी की वैल्यू आसानी से निकाल ली जिसकी वन आ गई, उसके बाद टेन ए की वैल्यू निकाल ली वो कितना आ रहा है वन आ रहा है, उसके बाद टेन ए की वैल्यू उसमें रख दी उसकी वैल्यू निकाल ली वो जो की बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया थ्री टेन ए इज इक्वल टू फोर, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर अपॉन में थ्री, और कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री अपॉन में फोर, जैसे प्रोपर रेशियो ने बताया था टेन का रेशियो प्रोपर क्या होता है कॉट, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है थ्री साइन ए प्लस टू कॉज ए अपॉन में थ्री साइन ए माइनस टू कॉस ए, ठीक है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या कर दो कॉस से डिवाइड कर दो, थ्री साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस टू कॉस ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में थ्री साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस टू कॉस ए अपॉन में कॉस ए। अब जरूरी नहीं मैंने कॉस से डिवाइड किया तो आप भी कॉस से डिवाइड करें, साइन कर चीज कॉट बन जाती है तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता है, अगर कॉस से डिवाइड करते साइन से डिवाइड करते तो ये हो जाता कॉस अपॉन साइन, ये हो जाता कॉट, इसके लिए कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए क्या हो जाएगा थ्री टेन ए हो जाएगा प्लस टू अपॉन थ्री टेन ए माइनस टू, इसकी वैल्यू लग गई यहाँ पे थ्री टेन की वैल्यू क्या है फोर बाय थ्री प्लस टू थ्री हो जाएगा फोर बाय थ्री माइनस टू, थ्री से थ्री, थ्री से थ्री चला गया चार दो छः और ये हो जाएगा दो, कितनी आ जाएगी वैल्यू तीन वैल्यू आ जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो सेम इसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन होगा फाइव कॉट ए इज इक्वल टू थ्री है तो कॉट ए इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, ठीक है अब देखो दिया गया है फाइव साइन ए माइनस थ्री कॉज ए अपॉन फोर साइन ए प्लस थ्री कॉस ए, ये दिया गया इसमें क्या करोगे क्या करोगे साइन से डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड डिनोमिनेटर बाय साइन के, तो फाइव साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस थ्री कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन में फोर साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस थ्री कॉस ए अपॉन में साइन ए, वो तो फाइव हो जाएगा माइनस थ्री कॉट ए हो जाएगा अपॉन में फोर प्लस थ्री कॉट ए, फाइव माइनस थ्री कॉट ए की वैल्यू कितनी है थ्री अपॉन फाइव अपॉन फोर प्लस थ्री कॉट ए की वैल्यू कितनी है थ्री अपॉन फाइव,
माइनस नाइन अपॉन फाइव अपॉन फोर प्लस नाइन अपॉन फाइव, 25 माइनस नौ अपॉन फाइव, यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस 9 अपॉन 5, 5 से हट कैंसिल हो जाएगा तो 16 अपॉन 29 कितना आंसर आएगा, 16 अपॉन 19, 16 अपॉन 29। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।